इट वॉज ऑल ओवर द न्यूज की हैशटैग बॉयकॉट करीना कपूर सब जगह ट्रेंड हो रहा था। और अगर ये पढ़ के आपके दिमाग में सबसे पहले ये आया कि रोल जो उसे ऑफर किया जा रहा था, नहीं मतलब व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इट्स अ कॉन्वर्सेशन, एक कॉन्ट्रेक्चुअल कॉन्वर्सेशन है बिटवीन करीना कपूर, करीना कपूर टीम एंड द प्रोडक्शन हाउस। तो लीक कैसे हुआ पता नहीं। And that is when I came across this fake news alert. So you know what? As a fan, as a big, big fan, I genuinely hope कि सच बाहर आए और justice भी मिले सुशांत को। आपको क्या लगा करीना को? तो फिर से पी के आया पांडुरंगा इस घर में। In fact, it was sad and disheartening to see कि SSR के death anniversary के दिन भी किसी भी बड़े production house या celebrity ने उसके बारे में कुछ post नहीं डाला था, except for his fans, which just shows कि एक साल बाद भी ये लोग Bollywood के outsiders को कैसे treat करते। चे, धिक्कार है हम पर। Hey guys, welcome back to WOD Guy. So I just realized यार कि मैंने बहुत लंबे समय से बॉलीवुड पर एक भी वीडियो नहीं बनाया। हाँ वैसे मुझे पता है कि मैंने राखी का इंसाफ पर वीडियोस बनाए थे, but I'm not counting राखी सावंत as a part of बॉलीवुड, क्योंकि मेरे हिसाब से राखी सावंत बॉलीवुड से एक लेवल ऊपर है। आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। मतलब एक तो वो किसी के पीठ पीछे बिचिंग नहीं करती, सीधा मुंह पे गाली देती है। मुझे कहती है कि मुझे रिप्लेस किया तो किसने किया, राखी सावंत ने जिसका कोई क्लास ही नहीं है। तेरी माँ की आंख हराम खोर। हाँ मेरी कोई औकात नहीं, हाँ मैं लोअर क्लास हूँ, तू क्या है चरसुल्ली गर्दुल्ली, तू क्या है? Secondly, she is very polite to paparazzi. मतलब उसे पता है कि ये बेचारे लोग भी अपना काम ही कर रहे हैं। Unlike this. लोगे काम नहीं किया तुम लोगों की लाइफ में? यही काम है। पापराजी। कोई काम है? तुम जरा शीशे में शक्ल देखो अपनी। नहीं सर मैं एक्टर हूँ सर। और ढंग का काम नहीं है लाइफ में। And thirdly, वो openly accept करती है कि उसे हाइप में रहने के लिए कॉन्ट्रोवर्सीज करने पड़ते हैं, अनलाइक सोनम कपूर यानी कि अनिल कपूर की बेटी। तो यस, इस वीडियो में हम साथ मिलकर देखते हैं कि बॉलीवुड की जगत में फिलहाल क्या क्या चल रहा है। पर उसके पहले आप लोग सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों प्रेस कर दो और मुझे 65,000 सब्सक्राइबर्स पहुंचा दो अभी के अभी। नाउ लुक, यू माइट थिंक कि मैं धीरे धीरे राखी सावंत का फैन बन रहा हूं, तो मैं बता दूं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं पहले से ही फैन था। हाँ मतलब राखी का इंसाफ देखने के बाद मैं तो क्या, आप भी फैन बन जाओगे। ऑल्सो टेल मी हु वुड डू दिस। अब अगर आपको पता नहीं तो आज से करीब 200 साल पहले, 200 साल पहले, 2 साल, 2 साल, इन दोनों का बड़ा झगड़ा हुआ था एंड इट वाज ऑल ओवर द न्यूज। मतलब इन दोनों का मिलना इज इक्विवेलेंट टू आज से 10 साल बाद ऋतिक और कंगना का मिलना। समझ गया समझ गया। ऑल्सो कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर लोग करीना कपूर को गालियां दे रहे थे। इट वॉज ऑल ओवर द न्यूज की हैशटैग बॉयकॉट करीना कपूर सब जगह ट्रेंड हो रहा था। और अगर ये पढ़ के आपके दिमाग में सबसे पहले ये आया कि तो लेट मी टेल यू नहीं। क्योंकि जब मैंने रिसर्च करने के लिए नेट पर सर्च किया कि आखिर ऐसा क्यों ट्रेंड हो रहा है, तब मुझे पता चला कि इट हैज समथिंग टू डू विद द रोल जो उसे ऑफर किया जा रहा था। स्पेकुलेशंस अराउंड एक्टर करीना कपूर खान पोर्ट्रेइंग सीता इन अलौकिक देसाई'स अपकमिंग फिल्म हैव बीन बजिंग। द फिल्म इज सेट टू बी अ बॉलीवुड रिक्रिएशन ऑफ द हिंदू एपिक रामायण। Now, fresh reports have surfaced claiming that the actress has demanded a whopping amount to essay the role. According to a Bollywood Hangama report, the Jab We Met star allegedly hiked her fees for this role and has asked for rupees 12 crore for this project. This news did not go down well with netizens. For a moment, now forget pricing. बॉलीवुड में अच्छे एक्ट्रेसेस की कमी है क्या? There's Vidya Balan, Kangana Ranaut, Priyanka Chopra, Bhumi Pednekar. देखो यार, मे बी बॉलीवुड में चॉइसेस कम है, पर अगर आपको अगर नई कार लेने के लिए चॉइसेस बहुत ज्यादा चाहिए और बेस्ट प्राइसेस चाहिए, तो आपको यूज करना चाहिए Cars24। आपके लिए परफेक्ट कार ढूंढ सकते हो फ्रॉम Cars24's वाइड रेंज ऑफ कार्स।
चौंक गए मोहल्ले वालों। हाँ मतलब किसी डीलरशिप में जाकर 10-12 गाड़ी देखने से अच्छा आप कार्स 24 पर हजारों गाड़ियां देख सकते हो। यहाँ आपको मिलेंगी हाईएस्ट क्वालिटी रिफर्बिश्ड कार्स जो कार्स 24 के 140 प्लस पैरामीटर्स को अचीव करते हैं। एंड आपकी कार खरीदते टाइम आपको पैसे बचाने हैं तो एक स्कीम है Cars 24 पे आप लोग करोगे सेविंग्स ऑन एवरी कार एंड इन एडिशन टू दिस यू कैन गेट अट्रैक्टिव फाइनेंसिंग टर्म्स। ऊपर से डिलीवरी मिलेगी स्ट्रेट टू योर डोर। Cars 24 की प्रोसेस तो बड़ी सिंपल है, हजारों गाड़ी आप स्कैन कर सकते हो और जो आपको पसंद आए वो सिलेक्ट करो। ऑल्सो आप लोग आपके कार की ऑनलाइन वर्चुअल टूर ले सकते हो, लाइक यू आर रियली सीइंग द कार इन रियल लाइफ, यू नो एक वर्चुअल टेस्ट ड्राइव जैसी। और खरीदने के बाद तो कोई टेंशन नहीं है बिकॉज एज आई सेड बिफोर यहाँ पर Cars 24 के 140 प्लस पैरामीटर्स अचीव करने वाले कार्स हैं। और मेरा फेवरेट पार्ट तो यही है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, डिलीवरी आपके घर पे। एंड यस, अगर खरीदने के बाद आपको ऐसा लगा कि यार ये गाड़ी मेरे लिए फिट नहीं है, कोई और चाहिए, तो आप लोग वो कार को रिटर्न कर सकते हो Cars 24 को विद नो क्वेश्चंस आस्क्ड इन 7 डेज। सो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए Cars 24 के लिए, वहां पर जाओ एंड चूज अ कार दैट यू लाइक। एंड यू नो एट द सेम टाइम आई वाज वंडरिंग कि यार ऐसे प्राइस हाइक करने की न्यूज़ बाहर कैसे आई। नहीं मतलब व्हेन यू थिंक अबाउट इट, इट्स अ कॉन्वर्सेशन, एक कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्वर्सेशन है बिटवीन करीना कपूर टीम एंड द प्रोडक्शन हाउस, तो लीक कैसे हुआ? पता नहीं, नहीं आ रही आ रही, वायलेंस सो रहे, वायलेंस नहीं टाइम वेस्ट कर रहे। एंड दैट इज व्हेन आई केम अक्रॉस दिस फेक न्यूज अलर्ट। So you know what, as a fan, as a big, big fan, I genuinely hope कि सच बाहर आए और जस्टिस भी मिले सुशांत को। आपको क्या लगा करीना को? तो फिर से पी के आया पांडुरंगा इस घर में। In fact, it was sad and disheartening to see कि SSR के डेथ एनिवर्सरी के दिन भी किसी भी बड़े प्रोडक्शन हाउस या सेलिब्रिटी ने उसके बारे में कुछ पोस्ट नहीं डाला था एक्सेप्ट फॉर हिज फैंस, विच जस्ट शोज कि एक साल बाद भी ये लोग बॉलीवुड के आउटसाइडर्स को कैसे ट्रीट करते। धिक्कार है हम पर। एनीवे, इस न्यूज पीस के पहले वी वर टॉकिंग अबाउट मिका सिंह, विच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट बिग न्यूज। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। म्यूजिक इंडस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट एमिवे बंटाई और रफ्तार के भी पार, एमिनेम वर्सेस मशीन गन केली के भी ऊपर, मिका सिंह वर्सेस KRK। So, यार मिका सिंह ने एक गाना रिलीज किया डेडिकेटेड टू KRK। विच आई फेल्ट इज ऑफेंसिव, वेरी ऑफेंसिव कुत्तों के लिए। समझ रहे हो ना? बट ऑन अ सीरियस नोट, मेरे हिसाब से दिस वॉज एक्सट्रीम। नहीं मतलब ऐसा गाना बनाने के लिए सीधा मतलब सीधा डेफेमेशन केस फाइल कर देनी चाहिए कुत्तों ने। मतलब आप एक वफादार कुत्ते को कंपेयर कर रहे हो KRK से? व्हेनेवर आई सी अ डॉग आई गो ओ, व्हेनेवर आई सी KRK आई गो ओ। अरे यार सहलेंगे थोड़ा सा। अरे बट KRK आल्सो गेव इट बैक टू मिका सिंह। KRK ने गाना रिलीज किया विच गोज सुवर सुवर सुपर सुवर सिंगर सुपर सुवर। मतलब ये दोनों गाने सुनने के बाद सबसे ज्यादा ऑफेंड तो एक ही बंदा हुआ रहेगा, टोनी कक्कर। यार एक गाने में एक ही वर्ड को 100 बार रिपीट कर रहे हो, उसके दो पोटेंशियल गाने हड़प लिए आपने। सो KRK वर्सेस मिका सिंह की फाइट गोज बैक टू KRK के राधे मूवी का रिव्यू, जो देखकर मिका सिंह ऑफेंड हो गया और ये बात जानकर मैं डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि आई डोंट गेट इट, मिका सिंह जैसे सेलिब्रिटी ने KRK का रिव्यू देखा ही क्यों? मुझे लगा मजा आएगा। Also, I like how आज के बॉलीवुड न्यूज अपडेट वाले वीडियो में वी स्पोक अबाउट द रियल बॉलीवुड, राखी सावंत, KRK और मिका सिंह। बट सच बोलूं तो somewhere I miss talking about स्टार किड्स और उनका मुंह बोला बाप, बट उस पर हम बात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दोनों प्रेस कर दो, क्योंकि भाई ने बोला करने का तो करने का, पागल है क्या? चल। Also, अगर आप लोगों ने अब तक मेरी राखी का इंसाफ वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो जाकर देख लो, मैं लिख के देता हूँ, वो वीडियोस देखने के बाद आप लोग पक्का बोलोगे कि मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।
ऑल्सो आप लोग मुझे कमेंट्स में जाकर बता दो कि मैं अगला वीडियो किस पर बनाऊं। मैंने डिस्क्रिप्शन में कास्ट 24 के लिंक दे दिए, तो वहां पर जाओ एंड चूज अ कार दैट यू लाइक। राखी का इंसाफ की प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वो भी देख लेना। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो @thebluehoodieguy। ब्लू आर्मी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। बाय।